आज की इस कक्षा में हम बट्टा से संबंधित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि पहला है, टीवी का अंकित मूल्य 4,500 रुपया है तथा बट्टा 30% है। टीवी का अंकित मूल्य दिया हुआ है 4,500 रुपया, बट्टा प्रतिशत में है 30%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वास्तविक बट्टा, तो ये होगा 4,500 का 30%, अर्थात 4,500 गुना 30/100। तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, ये शून्य और ये शून्य कट गया। तो हम 45 को 30 से गुना करेंगे, ये आ गया हमारा 1,350 रुपया। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर ये होता है अंकित मूल्य घटाओ वास्तविक बट्टा। तो यहां अंकित मूल्य कितना है, 4,500 रुपया, और हमें बट्टा इस पर कितना मिल रहा है, 1,350। आइए इसे घटा देते हैं, शून्य से शून्य हो गया, यहां शून्य, फिर यहां शून्य है, एक इधर से लेंगे, 10, 10 से 5 हो गया, 5, यहां से एक हासिल लिए तो ये 4 हो गया, 4 से 3 1, और ये 4 से 1 हो गया 3। यानी उस टीवी का वास्तविक विक्रय मूल्य हो जाएगा 3,150 रुपये। ठीक इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 2 को भी हल करेंगे। पंखा का अंकित मूल्य है 450 रुपये और इस पर बट्टा मिल रहा है 10%। आइए इसे हल करते हैं। पंखा का अंकित मूल्य, यह है 450 और प्रतिशत बट्टा कहें या बट्टा प्रतिशत कहें, जो भी कहें, यह है हमारा दिया हुआ है 10%। इसलिए वास्तविक बट्टा बट्टा को हम डिस्काउंट कहते हैं, है ना, ये हो जाएगा 450 रुपये का 10%, अर्थात 450 गुना 10/100। तो ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये हो गया 45 रुपया। इसलिए विक्रय मूल्य अर्थात पंखे का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 450 रुपये में से हम 45 रुपया घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 405 रुपये। प्रश्न संख्या 6, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है तथा बट्टा उस पर दिया जा रहा है 5%, ऐसे हल करते हैं। मान लिया कि अंकित मूल्य
बराबर 100 रुपया। तो यहां बट्टा हो जाएगा हमारा 5 रुपया, क्योंकि 5% है, और ऐसी परिस्थिति में हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य 100 से घटा देंगे हम 5 रुपया यानी बट्टा, तो ये हो जाएगा 95 रुपया। अब इसे हम इस प्रश्न को एकिक नियम से हल करेंगे, क्योंकि जब विक्रय मूल्य बराबर 95 रुपया है तो अंकित मूल्य बराबर 100 100 रुपया। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 100/95। इसलिए जब विक्रय मूल्य हमारा जो दिया हुआ है कितना है, 380 रुपया, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100/95 × 380। तो 19 से काटते हैं, 19 × 95 और ये 19 × 2 = 38, और ये 5 से कटेगा तो ये 100 को काट रहे हैं 20 बार में, तो ये हमारा आ गया 400 रुपया। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ जा रहा है इस रेडियो का, 400 रुपया। ठीक इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 2 भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 यह है, घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है तथा बट्टा 10% है, तो हमें इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 1 की तरह ये हम इसे हल करेंगे। मान लिया कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, तो ये बट्टा हो जाएगा 10 रुपया, 10% है तो 10 रुपया, और ऐसी परिस्थिति में हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 × 10 यानी 90 रुपया। अब फिर एक एक नियम से हम इसे हल करते हैं, क्योंकि जब विक्रय मूल्य बराबर 90 रुपया है तो अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 100/90। इसलिए जब विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपया है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100/90 × 360। तो ये 0 और ये 0 कट गया, और 9 से ये 36 हम काटेंगे तो ये 4 बार में होगा, तो ये आ जा रहा है 400 रुपया। तो यहां भी हमारा अंकित मूल्य आ गया है 400 रुपये।